दोस्तों अगर आपको भी 1 लाख शिबा इनू कॉइन फ्री में चाहिए तो आपको करना क्या होगा, आपको इस नई एक्सचेंज कॉइन बाजार पर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं और केवाईसी कंप्लीट कैसे करते हैं, तो आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं निश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी हाईफाटेक पर। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ इस तरह का एक लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कॉइन बाज़ार की एक्सचेंज की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, अपना आपको यहाँ पर नेम फिल करना है, कंट्री चूज़ करनी है आपको किस कंट्री से आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको ये जो कोड मिलेगा आपको क्या करना है, इस कोड को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बाय साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है। ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने यहाँ पर दिया था, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक मेल आईडी के ऊपर जो आपने यहाँ पर मेल दी थी उसके ऊपर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा, तो कुछ इस तरह का आपको वो एक्टिवेशन लिंक मिलेगा। एक्टिवेशन लिंक मिलने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेशन लिंक का, आपको करना क्या है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो अकाउंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। फाइनली फाइनली क्रिएट होने के बाद आपको आगे करना क्या है वो देखते हैं। आपका अकाउंट बनने के बाद आपको कॉइन बाज़ार की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी मेल आईडी और पासवर्ड जो आपने वहाँ पर डाला था उसको आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। अब आपको फाइनल स्टेप बचता है कि आपको 1 लाख शिबा इनू कॉइन कैसे मिलेंगे। जैसे कि मेरे को मिले हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे को 1 लाख शिबा इनू टोकन फ्री मिले हुए, ये देखिए ये मेरे को यहाँ पर फ्री मिले हैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने के। अब KYC कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब हम KYC की बात करते हैं दोस्तों, हम KYC कंप्लीट कैसे कर सकते हैं इस नई एक्सचेंज में। आपको यहाँ पर बैंक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। नाम के बाद आपको यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर फिल करना है। आपको IFSC कोड डालना है। डालने के बाद आपकी जो ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। फिल होने के बाद आपको यहाँ पर एक पासबुक की जो फ्रंट की इमेज आपको वो क्या करना है उसको अपलोड करना है कुछ इस तरह से। ये चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको क्या करना है सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से बैंक अकाउंट वेरीफाई का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब फाइनल जो चीज़ें बचते हैं वो बचते हैं KYC कंप्लीट कैसे करें अपनी। बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको कुछ ये वेरीफाई का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट पर आपको क्या करना है क्लिक करना है। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए बैंक का जो आपकी पैन कार्ड है उसकी डिटेल फिल करनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, नेशनल आईडी आपका जैसे आधार कार्ड है उसका आपको यहाँ पर नंबर डालना है, आधार कार्ड का फ्रंट की जो इमेज है वो अपलोड करनी है आपको, उसके बैक की ये फ़ोटो अपलोड करनी है, और यहाँ पर आपको जो आपका पैन कार्ड है उसकी भी फ़ोटो आपको एक अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पर एक अपनी इमेज अपलोड करनी है, आपके हाथ में कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जैसे आधार कार्ड, वो सामने रख के आप अपनी फ़ोटो क्लिक करवाइए। उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो आपको एक सबमिट फॉर वेरीफिकेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको क्या करना है उसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सचेंज पर क्या होगी कि थोड़े टाइम के लिए आपकी देखी जाएंगी क्या सभी चीज़ें जेन्युइन है या नहीं है। अगर उनको सारी चीज़ें ठीक लगती हैं तो आपका यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैंने आज की तो कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से हो सकता है इसमें दिक्कत रही हो, अगर आज कंप्लीट नहीं होती तो कल ये अपलोड हो जाएगी फाइनली वेरीफाई होने के बाद। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें होने के बाद अगर ये फिर भी वेरीफाई नहीं होती है तो आपको एक टिकट रेज करना है, टिकट में आप अपनी सारी चीज़ें बता सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।